Okay, students. So first, we are going to discuss today about the mathematical tools. ठीक है, तो ये रहा अपना मैथमेटिकल टूल्स. तो कुछ एक कुछ फॉर्मूला तो आपको ही मेरे को बताना पड़ेगा. जैसे कि आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा कि आप लोग वही तो पढ़ते पढ़ता है. पहला फॉर्मूला लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ए प्लस बी होल स्क्वायर. क्या होता है उसका फॉर्मूला, कौन बताएगा उसका फॉर्मूला क्या होता A है? स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. चलो उसी तरह सेकेंड ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस नहीं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट, वेरी गुड. चलो ये तो बहुत ज्यादा यूज वाला होने वाला फॉर्मूला था. अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा? का फॉर्मूला पता है किसी को? a b c plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a. याद रखिएगा, ठीक है. उसके बाद नंबर फोर, which is बहुत basically हम लोग यूज करते हैं, square minus b square, which is a minus b and a plus b, ठीक है. उसके बाद fifth वाला a plus b whole cube. चलो इसका आंसर कौन देगा? इसका क्या हो जाएगा, पता है किसी को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी. और इसे और प्रिसाइज लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. याद रखिएगा, ये बहुत सारे फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं धीरे धीरे 11 और 12 एज वेल, ये आपके फिजिक्स मैथ्स में भी आएगा, लेकिन हम यहाँ भी इसका भी लिख लेते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब. चलो इसका क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ठीक है, और ब्रैकेट में भी ए माइनस बी, सभी जगह माइनस साइन यूज करना है और कुछ नहीं है, ठीक है. आप लोगों ने तो तीन या चार फॉर्मूला पढ़े थे, अब देखो आगे सेवेंथ वाला. चलो अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो इसका कोई किसी को पता है इसका फॉर्मूला? छवि, अस्मि, ग्रंथ, शालिनी, एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दिस फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओनली, ठीक है. उसी तरह ये माइनस का हो गया, और ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो आपको याद रखना वो हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, याद रहेगा. इतने फॉर्मूला सिर्फ याद रखने हमें, हो जाएगा इतना याद, कर पाओगे इतना याद? हाँ और ना, मैं आंसर दे सकता हूँ. ओके, वेरी गुड. चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और टेंथ में बहुत सारे चैप्टर्स आई थिंक थे, ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था, क्या पता है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में. तो ये अब देखो, यहाँ से इसका एक सर्कल का है, इसका रेडियस आर समझ लो, और ये बन रहा है एक आर्क, ये क्रिएट हो रहा है आर्क, क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है आर्क, और ये बन रहा है एंगल थीटा. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, यही ये पढ़ा था ना हम लोगों ने.
प्लेन एंगल चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी थी हमने, हाँ और ना, याद है या भूल गए? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, भी ठीक से आ रही है? हेलो, यस सर, ठीक से आ रही है सबको? यस सर, ओके, ये ओके ये चीज हम लोगों ने प्लेन एंगल वाले थियोरी में पढ़ा था, ठीक है? एंगल क्रिएट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है? चलो, और उसके बाद सबसे ज्यादा कॉमन चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, पता है? पता है पाइथागोरस थियरम, क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस थियरम। चलो कौन लिखाएगा पाइथागोरस थियरम? ये होगा अपना 90, इसे मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, ये बी और ये सी। चलो, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इस डायग्राम से? AC square is equal to AB square plus BC square. ओके, हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC means the diagonal और hypo. तो ये होगा अपना AB square plus BC square. मेरी आवाज दो टाइम आ रही है क्या? रिपीट हो रही है आवाज? No, चलो तो ठीक है, और समझ लो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। अब यहाँ से मुझे लिखना है साइन थीटा, तो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC, ओके, अपोजिट साइड अपॉन और परपेंडिकुलर बार अपॉन हाइपोटेनियस और हाइपो, सो ये हो जाएगा AB अपॉन AC. चलो, वेरी गुड। व्हाट अबाउट द कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? BC by AC, या क्वेश्चन मार्क नहीं रखो, ये राइट ही आपका। और tan थीटा? AB by BC, AB by BC। चलो, अब यहां से व्हाट अबाउट द cosec थीटा? AC by AB. Okay, cosec theta is nothing but the inversely proportional to the sine theta or invertly sine theta, which is AC by AB. ठीक है? अब sec theta, what about the sec theta, which is 1 upon cos theta, and you can say that AC by BC. The same thing for the cot theta, 1 upon tan theta, which is BC by AB. Is that clear? Yes, sir. Okay. चलो, तो ये चीज हो गया। अब हमें समझना है यूनिट सर्कल, ऐसा कुछ पढ़ा था यूनिट सर्कल, ऐसा कुछ सुना था क्या पहले यूनिट सर्कल? नो, यूनिट सर्कल। चलो, तो यूनिट सर्कल के लिए यूनिट सर्कल के लिए पहले ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यूनिट सर्कल थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यूनिट सर्कल बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग पहले लिख लेते हैं यूनिट सर्कल, अब समझते हैं इसे। यहां पर ले लीजिए एक सर्कल है, ठीक है? अब सर्कल को इसे मैं चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ओके, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, यहां पे एक और कलर यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपना जीरो, ठीक है? ये जीरो, अब ये देखो यहाँ बन रहा है 90, तो ये हो जाएगा 90, और आप इसे लिख सकते हैं पाई बाई टू। अब ये यहां से घूम के यहां तक आ रहा है, तो ये हो जाएगा 180, 180 मीन्स पाई, उसके बाद ये 270 means 3 pi by 2, और ये हो जाएगा वापस 360 डिग्री, पूरा घूम के आ जाए तो 360 nothing but the 2 pi, ठीक है? अब यूनिट सर्कल में आप समझ लीजिए कि आपको कुछ डिफाइन करना है, कुछ डिफाइन करना है, यानी फॉर एग्जांपल का आपको इस तरह से दिया है sin 90 plus theta, उसके बाद
sine 90 minus theta or sine 180 minus theta, sine 180 plus theta. चलो तो इसको define कैसे करेंगे, किसी को पता है इसके बारे में? Anyone have any idea about this thing? पता है या नहीं? और ना मैं आंसर दे सकते हो, पता है कि नहीं? शायद नहीं पता होगा इसलिए कोई बोल नहीं रहा। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? चलो नहीं पता है तो पता कर दे। ओके, यूनिट सर्कल में अब देखो, यहाँ पे देखो साइन 90 क्या दिया हुआ, साइन 90। तो साइन 90 मीन्स व्हाट, ये रहा 90, 90 मीन्स यहाँ पे, यहाँ पे। अब एक चीज याद रखिएगा, 90 पे या 270 पे, मीन्स ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे हमारा जो कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, कहाँ पे, जब भी 90 और 270 की बात आए तब। अब उसे लिखना कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये यूनिट सर्कल का पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ऑल, ऑल मीन्स सभी कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट्स मीन्स साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, सभी सभी कंपोनेंट यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। उसके बाद ऑल एस टी सी, इस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पे साइन के कंपोनेंट, साइन के कंपोनेंट कौन कौन से है, साइन एंड कॉसेक, तो यहाँ पे साइन एंड कॉसेक, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद यह है टी, टी मीन्स व्हाट, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव, जिस तरह यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा बाकी सारे नेगेटिव हो जाएगा, उसी तरह लास्ट में सी, सी माने कॉस थीटा एंड सेक थीटा, और उसके अलावा जो कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, सभी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, साइन 90, अब यहाँ पे साइन 90 की बात हो रही है, तो साइन 90 कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये, तो जब भी यहाँ पे और यहाँ पे हो जाए तो कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो मैं पहले लिख लेता हूँ कॉस थीटा। यहाँ पे देखो प्लस, प्लस मीन्स व्हाट, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव है, साइन वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है, और ये तो खुद ही साइन है, तो इसका साइन, साइन की बात कर रहा हूँ, साइन पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 मीन्स ये यहाँ पे ही है 90, जब भी 90 की बात करे, ठीक है, ये 90, ये समझ लीजिए ना, ये 90, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। अब समझो माइनस, माइनस मीन्स रिवर्स आएगा, रिवर्स, ये यहाँ पे तो सभी कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो ये इस कंपोनेंट में टेंशन लेना ही नहीं है, ये यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव साइन लगा लेना है। समझ में आई ये चीज, यू अबाउट द यूनिट सर्कल? समझ में आया इतना? ग्रंथ, छवि, शालिनी, रश्मि, सर एक बार फिर समझाना। हाँ, श्योर, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, चलो साइन की जगह ले रहा हूँ कॉस 90 प्लस थीटा, क्या ले रहा हूँ, 90 प्लस थीटा, कॉस 90, चलो 90 मीन्स अगेन, मैं वापिस 90 मीन्स कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे जब भी आएगा तो उसका कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या है, प्लस, प्लस मीन्स व्हाट, ये क्वाड्रेंट में, और ये क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन वाले कंपोनेंट पॉजिटिव है, साइन मीन्स व्हाट, साइन और कॉसेक आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, कॉस, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर अबाउट द कॉस 90 प्लस थीटा का मीनिंग क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह
शायद यहाँ पे देखो साइन 180 माइनस थीटा, अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, 80 मीन्स यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो मैंने लिख लिया साइन थीटा। अब इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा वो कैसे पता चलेगा, इससे, ये क्या है माइनस, तो माइनस मीन्स वॉट, अभी यहाँ पे 180 रिवर्स जाएगा, रिवर्स मीन्स वॉट, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट, कहाँ पे रिवर्स, ये क्वाड्रेंट में, ये वापस दिख रहा है सबको, ये क्वाड्रेंट में, अब ये क्वाड्रेंट में तो ऑलरेडी साइन ही है, साइन और कॉस एक्स वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 180 तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस है, प्लस प्लस मीन्स वॉट, ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस ये क्वाड्रेंट में। अब ये क्वाड्रेंट में तो 10, तो 10 है तो ये तो साइन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब समझ में आया यस सर सबको? यस सर। ओके, तो अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ और ना, फटाफट आंसर दीजिए, नहीं चलो देख लो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट, कुछ फॉर्मूला इस तरह से होता है कि हम लोग डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस फाइव एक्स प्लस तो उसे फैक्टराइज करे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन, x प्लस थ्री, इससे टू कॉमन, x प्लस थ्री, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस टू और x प्लस थ्री। ये चीज पढ़ा था आप लोगों ने, आगे पढ़ा ही होगा ना, टेंथ में पढ़ा था ना ये चीज। यस सर। हाँ चलो, ये सिंपल चीज हम लोग, ये सिंपल चीज जब आ जाती है, ये सिंपल चीज, ठीक है, ये सिंपल चीज आ जाए तो हम लोग ये फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग ये फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, तब हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। अब समझ लीजिए कि मेरे पास इसे डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, डिवाइड बाई ट्वाइस से। कई जगह पे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, ये पूरा आ गया। चलो फॉर एग्जाम्पल एक कुछ एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी शायद हम लोग इस तरह का कुछ एग्जाम्पल दे दिया होता है, 10x square minus 27x plus 5 is equal to 0। अब ये इक्वेशन को हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, हमें इस तरह से करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो करना कुछ नहीं, पहले कंपेयर कर लीजिए, ax square plus bx plus c is equal to 0। तो कंपैरिजन में हमें ये पता चल गया कि a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू ये माइनस 27, और सबसे बड़ी बात c इज इक्वल टू 5। करना कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है, रख दो सभी वैल्यू, सारी वैल्यू को इसमें ऐड ही करना है और कुछ नया नहीं करना है। चलो x इज इक्वल टू माइनस b, b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस 27, सो माइनस तो पहले से है, ये माइनस 27 और लगा लीजिए, प्लस और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 27 स्क्वायर माइनस 4 ए, ए इज इक्वल टू क्या है 10, और ये सी इज इक्वल टू क्या है, सी इज इक्वल टू हमारे पास है 5, ठीक है, डिवाइड बाय ट्वाइस ए, तो 2 इनटू ए इज इक्वल टू क्या मिला है हमको 10। चलो अब ये देखो माइनस माइनस प्लस 27, चलो माइनस 27, चलो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है इतना तो पता होना चाहिए ना, पता है या नहीं पता है, कितना होता है 729, 729, वेरी गुड, 729,
5 4 20 10 200 divide by 20 ठीक है चलो 27 plus or minus 729 minus 200 means 529 divide by चलो 529 किसका स्क्वायर है आई थिंक 23 ना 23 का 5 ठीक है ना 23 का स्क्वायर आएगा ना स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट एक बार चेक कर लीजिएगा वो तो यहाँ पे 27 प्लस और माइनस 23 बाय 20 ओके तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाला साइन यूज करें तो माइनस 23 बाय 20 तो हमारा क्या आ जाएगा 4 बाय 20 तो ये हो जाएगा 1 बाय 5 और करके प्लस वाला करो 27 प्लस 23 बाय 20 उसका करो कितना आएगा क्या आएगा इसका 27 प्लस 23 मीन्स 50 बाय 20 तो ये हो जाएगा कैंसल आउट 5 बाय 2 ठीक है 5 बाय 2 आएगा ना ठीक है yes. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं हमें पता है हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इन बिटवीन और आर 5 बाय 2 एंड 1 बाय 5 क्लियर ठीक है समझ में आया इतना यस सर तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो सीधी तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे तभी हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाइनोमियल थ्योरम ठीक है बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम में हमें इक्वेशन याद रखना पड़ेगा वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा थ्योरम तो लिख लेते हैं पहले थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम चलो बाइनोमियल थ्योरम में फॉर एग्जाम्पल 1 plus x raised to n कुछ इस तरह से दे दिया है अभी 1 plus x square होगा तो आराम से डिफाइन कर पाएंगे 1 plus x cube होगा वो भी डिफाइन कर पाएंगे उसके पहले फॉर्मूला हम लोग लिख सके लिख लिया फॉर एग्जाम्पल a plus b whole square a plus b cube तो हो जाएगा लेकिन यहाँ जो पावर है जो रेस्ट है वो 1 by 3 1 by 2 1 by 4 इस तरह से आ जाए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इट तो इसके लिए हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसे लिखते कैसे देखो यहाँ पहले एक एक चीज याद करके देखिएगा वन पहले वन प्लस अब ये n को आगे x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा एन एक्स अब ये बाइनोमियल थ्योरम कंटिन्यूस थ्योरम है वो पूरा चलता रहेगा एन नंबर तक अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एन आ गया तो अब देखो एन माइनस वन यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x square divide by 2 और ये इसे क्या बोलेंगे factorial ठीक है ये i dot उल्टा i जो मैंने लिखा उसे क्या बोलेंगे factorial अब इसे आगे दे और आगे करिए तो n तो ऐसे है ही n minus 1 भी आएगा अब आएगा n minus 2 और x square की जगह हम लोग लिखेंगे x cube divide by अब 2 factorial उसके बाद 3 factorial plus up to आगे n नंबर तक हम लोग इस तरह से लिख सकेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्टोरियल ये चीज समझिए फैक्टोरियल फॉर एग्जांपल आपके पास 2i मींस 2 फैक्टोरियल मींस 2 से 2 की 2 के साथ साथ जितने भी कम वैल्यू है मींस 2 1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल मींस 3 उससे छोटी वैल्यू 2 उससे छोटी वैल्यू 1 तो उसके सभी के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो इसका आंसर आ जाएगा 6 फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 4 फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा 4 4 से छोटी वैल्यू क्या होती है 3 3 से छोटी 2 2 से 1 ठीक है उसी तरह सपोज 5 फैक्टोरियल ले लो तो 5 4 3 2 1 ये सभी का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हमें करना रहता है फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है समझ में आ गया बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मूला yes. ठीक है अब इसे बहुत बार ये क्या होता है ये
कई बार क्या होता है कि हमारे पास सभी जो शायद कुछ वैल्यू हम लोगों ने एन में डाल दिया और ये बहुत छोटी हो जाए, तो ये वाला टर्म हम लोग को इग्नोर करना पड़ता है। तो शॉर्ट में हमें लिखना है, तो हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे शॉर्ट में याद रखने के लिए, कि जिसे हम लोग आराम से या शॉर्ट कट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद हमारे पास 1 + x^2 n है, करना कुछ नहीं है, एन को ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 + n × x। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देख सकते हो ये वाला छोटा पार्ट, ठीक है। उसी तरह शायद आपके पास 1 + x^2 n हो, तो करना कुछ नहीं, अगेन -1 + ये यहाँ पे -n × x हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर लास्ट में क्या हो जाएगा, -nx। अब शायद इसकी जगह 1 - x^2 n हो, तो वही सेम चीज 1 n x के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसका आंसर डिफाइन कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये दो चीज में आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ। समझ में आ गया इतना? ओके, सिर्फ समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ कि शायद आपको कुछ इस तरह से दे दिया हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह से, एग्जाम्पल 1001 * 1/3। चलो, आपके पास अभी कैलसी भी नहीं है, आप इसे लॉग लॉग से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन समझ लीजिए आपके पास लॉगरिथम भी नहीं है आपके हाथ में, और आपको डिफाइन करें इसका आंसर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तब हम लोग ये बाइनोमियल थ्योरम आराम से यूज कर पाएंगे। चलो कैसे, तो इसे पहले दो पार्ट में, दो हिस्सों में बांट लीजिए। 1001 है, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1000 + 1, फिर उसका 10^10 उसका पावर √1/3। इतना समझ में आया? किया कुछ नहीं है मैंने, किया कुछ नहीं यहाँ पे। अब आगे देखो, आगे मैंने इससे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं 1000 कॉमन निकल रहा हूँ, चलो मैंने यहाँ से 1000 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे तो 1000 है, तो ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उसे जहाँ पे नहीं हो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और पूरा का पावर क्या है, 1/3। समझ में आया ये स्टेप? ओके, अब यहाँ पे देखो, 1000 मीन्स इज नथिंग बट द 10^3, यस और नो, ये होता है ना? ओके, 1 + 1/1000। चलो, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप लोग चेक कर सकते हो, 1/1000 क्या हो जाएगा, 0.001। नहीं है तो आप लोग को डिवाइड करके 3 पॉइंट स्लाइड करना है डेसिमल के, जो डिवाइड बाय 1000 हो जाए, और इसे 10^-3 भी बोलते हैं, ठीक है। और उसका पावर क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल सबको पावर दे दीजिए 10^3, उसके साथ पावर 1/3, यहाँ पे 1 + 0.0001 / 3, और पूरा ब्रैकेट, ये तो 3 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। चलो ये समझो, ये हो गया 10, यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 + 0.001 / 1/3। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज हम लोगों को मिली वो क्या है, इज नथिंग बट, उसे कंपेयर करो, चलो इसे कंपेयर करो, तो ये हो जाएगा 1 + x^2 n। इट मींस x इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस कंपैरिजन हम लोग लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001, वेर द n इज इक्वल टू 1/3। मैंने पहले ही बोल दिया था, पावर सिंपल आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो हम लोग उससे फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पावर होते हैं, 1/3, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलो, हम लोग इस डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार समझ रहे हैं तो ये पूरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलो, पूरा फॉर्मूला यूज करें, तो हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज है, ये चीज है पूरा, ठीक है। तो 10 लिख लीजिए पहले, और यहाँ पे 1, फिर द x इज इक्वल टू 0.001 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 1/3। इतना समझ में आ गया था ना? समझ में आया था इतना? ठीक है, अभी वो वापस मैं लिख रहा हूँ पूरा, 10 1 + n × x, where the n is equal to क्या है हमारे पास, 1/3, x is equal to क्या है, 0.01। उसके बाद अगेन क्या था, n 1/3, n - 1
उसके बाद अल्लाह और क्या हो क्या रहा है वापिस वन बाय वन. आवाज आ रही है ठीक से मेरी? क्या ओपन हो रहा है बीच बीच में. ओके चलो. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मीन्स 0.001 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 1 प्लस अप टू. यहाँ वन मीन्स फॉर फैक्टोरियल आ जाएगा मीन्स छोटी वैल्यू तक मल्टीप्लाई करना है. अब यहाँ पे देखो ये 10 हो जाएगा. अभी 1 + 0.0013 ये हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इसका ही वैल्यू मल्टीप्लीकेशन इसका स्क्वायर बहुत छोटा आ जाएगा. अब यहाँ पे इसका आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 0.001/3 तो शायद इसका आंसर आता है 0.0033. ठीक है इतना ही आएगा मैंने चेक किया हुआ है. सिंपल कैलकुलेशन है ठीक है. नहीं समझ में आया तो क्या करना है 10 × 10⁻⁴ करके डिवाइड बाई 3 कर लीजिएगा तो 3.333 आंसर आ जाएगा. उसके बाद 10⁻⁴ है और यहाँ पे देखो ये 0.123 और 4 तो 10⁻³ लिख सकते हैं डिवाइड बाय 3. ठीक है ये समझने के लिए कैलकुलेशन के लिए तो इसे हम क्या करें 3.33 × 10⁻³ माइनस 3 मीन्स 3 जीरो से डिवाइड करो तो इसका 0.000333 इस तरह से आंसर आ जाएगा. सॉरी ये माइनस 4 आएगा. ठीक है तो ये हो जाएगा आपका आंसर ये माइनस 4 जस्ट फॉर द नॉलेज. ठीक है तो ये आ जाएगा 10 ये 1 + 0.0033. अब 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करो इसके साथ 10.03301 इतना आंसर आता है. ये हमारा आंसर लास्ट में इतना आंसर आएगा. ठीक है तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हो. सो आपके पास अपनी अपने सेल फोन में कैलकुलेटर होगा तो उसका वैल्यू एक बार चेक जरूर से कर लीजिएगा के 1001 का क्यूब रूट क्या होता है 10.03301 आना चाहिए.